Hello, 7th standard students. Today I am going to start with the geography second chapter. In first chapter, nothing more important thing is there. That's why I want to start with the second chapter. Concept wise जाएंगे, question wise जाएंगे तो आप लोग को easy रहेगा, ठीक है? पहला question है, explain about perigee and apogee, right? अभी देखो, अर्थ के चारों बगल मून जो है राउंड राउंड चक्कर लगाता है, इतना तो पता रहेगा। मून जो है अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिया है, ये जो मून है कभी यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे रहता है। तो मून जो है हमेशा अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है, राइट? तो कभी कभी वो अर्थ के नज़दीक रहता है, कभी कभी अर्थ से दूर रहता है, ठीक है? अर्थ के चक्कर लगाते लगाते ऐसा पोजिशन, जिस पोजिशन में वो अर्थ के नज़दीक होता है उसको बोलते हैं पैरिजी। मतलब अभी ये वाला जो पोजीशन है वो पैरिजी, क्योंकि अर्थ के नज़दीक है, मून जो है अर्थ के क्या है, नज़दीक है। इस पोजीशन को बोलेंगे एपोजी। क्यों? क्योंकि अर्थ, मून जो है अर्थ से दूर है। इतना याद रखो, अगर मून जो है अर्थ से नज़दीक होगा तो उसको बोलेंगे पैरिजी, अगर मून जो है अर्थ से दूर रहेगा उसको बोलेंगे एपोजी। इज दिस क्लियर? अब आपको इस वो आंसर समझेगा। व्हेन इट इज़, मतलब मून, इट मतलब क्या होता है मून, व्हेन मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, क्लोजेस्ट मतलब होता है नज़दीक, व्हेन मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ इज सेड टू बी पैरिजी। इस पोजिशन को बोलेंगे पैरिजी। व्हेन मून इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ इज सेड टू बी पैरिजी, एंड व्हेन मून इज एट द फार्थेस्ट, फार्थेस्ट मतलब दूर, व्हेन मून इज एट द फार्थेस्ट द पोजिशन इज कॉल्ड एपोजी। मतलब इस पोजिशन को क्या बोलेंगे, एपोजी। इफ द मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ दैट इज कॉल्ड पैरिजी, इफ मून फार्थेस्ट फ्रॉम अर्थ दैट इज कॉल्ड एपोजी। इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, विल सी। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फुल मून डे एंड न्यू मून डे। फुल मून डे एक्सप्लेन करना है और न्यू मून डे एक्सप्लेन करना है। तो अभी इतना तो आप लोगों को पता रहेगा कि जो मून जो है अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है, राइट? इस डायग्राम में हम देखते हैं, अगर मून जो है चक्कर लगाते लगाते, अगर सन के, सपोज ये सन है, राइट, ये अर्थ है, सॉरी ये सन है, ये अर्थ है, और मून चारों बगल चक्कर लगा रहा है, राइट? सन, अर्थ, मून। अगर मून घूमते 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 सन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, घूमते घूमते सन कौन से डायरेक्शन, सन के अपोजिट, मतलब बीच में अर्थ रहेगा, सन इस साइड और मून इस साइड, तो उसको बोलते हैं फुल मून डे, राइट? इफ द डायरेक्शन ऑफ मून इज ऑट अपोजिट ऑफ सन दैट इज कॉल्ड फुल मून डे, राइट? इफ द डायरेक्शन ऑफ मून इज इन द बिटवीन ऑफ अर्थ एंड सन दैट इज कॉल्ड न्यू मून डे, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द डायरेक्शन ऑफ मून इज अपोजिट ऑफ सन दैट इज कॉल्ड फुल मून डे। मतलब अगर सन के अपोजिट में मून है तो उसको बोलेंगे फुल मून डे। अगर डायरेक्शन मून का सन और अर्थ के बीच में है तो उसको बोलेंगे न्यू मून डे। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको क्लियर हो जा रहा है, मून अगर सन के अपोजिट में रहेगा तो उसको फुल मून डे बोलेंगे, लेकिन मून अगर अर्थ और सन के बीच में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यू मून डे। इज दिस क्लियर? तो डायग्राम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, व्हाइल क्वेश्चन एक्सप्लेन फुल मून डे एंड न्यू मून डे, तो ये डायग्राम की जगह पे आप ये डायग्राम भी अगर बनाते हैं तो भी चलेगा, खाली आपको ये सब नहीं दिखाने, फुल मून डे, हाफ मून डे दिखाने, फुल मून डे, न्यू मून डे दिखाने, सन दिखाने, न्यू मून डे, फुल मून डे और अर्थ, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में लिखा है, While revolving around the earth, जब भी मून जो है अर्थ के चारों बगल रिवॉल्व होता है, द मून इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सन, अगर मून जो अपोजिट साइड ऑफ सन है ऑन फुल मून डे के टाइम पे अपोजिट साइड में होता है, वेयर इज ऑन अ न्यू मून डे इट इज पोजिशन बिटवीन सन एंड अर्थ, ऑन न्यू मून डे इट इज पोजिशन बिटवीन सन एंड अर्थ, राइट? दिस इज द, बाय दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है, द मून इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सन, मून जो है सन के अपोजिट साइड होता है फुल मून डे के टाइम पे, वेयर इज ऑन अ न्यू मून डे इट इज पोजिशन बिटवीन सन एंड अर्थ। इज दिस क्लियर? राइट? और यू कैन मेमोराइज लाइक दैट ऑल्सो,
इफ द पोजिशन ऑफ मून इज ऑपोजिट साइड ऑफ सन दैट इज कॉल्ड फुल मून डे. अगर पोजिशन मून का ऑपोजिट साइड ऑफ सन है उसको फुल मून डे बोलेंगे, राइट. इफ द पोजिशन ऑफ अर्थ, वेट राइट, इफ द पोजिशन ऑफ मून इज इन बिटवीन अर्थ एंड सन दैट इज कॉल्ड न्यू मून डे. समझ गया, अगर मून का पोजिशन सन के ऑपोजिट में है तो उसको फुल मून डे बोलेंगे, अगर मून का पोजिशन अर्थ और सन के बीच में है तो उसको बोलेंगे न्यू मून डे. इज दिस क्लियर? पोजिशन ऑफ मून इज ऑपोजिट साइड ऑफ सन दैट इज कॉल्ड फुल मून डे. इफ द पोजिशन ऑफ मून इज इन बिटवीन अर्थ एंड सन दैट इज कॉल्ड न्यू मून डे. इज दिस क्लियर? तो डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये आंसर्स दोनों पैराग्राफ लिख लो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज सोलार इलिप्स? अभी सिंपल है, आपने ऑलरेडी देखा कि अगर मून का पोजीशन अर्थ और सन के बीच में आता है तो न्यू मून डे होता है, राइट. इस पोजीशन में क्या होता है, मून का जो शैडो है, मून का जो परछाई है, वो अर्थ के ऊपर पड़ेगा. इससे क्या होगा, इस जगह पे, इस जगह से सन अपने को दिखाई नहीं देगा. जैसे भी अभी सन यहाँ पे है, मून यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे, लाइट पड़ रहा है, राइट. तो मून का परछाई जो है सन अर्थ के इस साइड पड़ेगा, तो ये जगह से अपने को मून दिखाई नहीं देगा. तो जिस जगह पे मून की परछाई पड़ती है उसी को, उस जगह से सोलार इलिप्स होता है. उस जगह पे क्या होता है, सोलार इक्लिप्सिस होता है, जिसको हम लोग दिखाई नहीं देता है. इज दिस क्लियर? क्लियर, ओके. तो अभी हम लोग ध्यान से देखते हैं, वापस समझ लो. नाउ गो थ्रू द पैराग्राफ. इफ द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, the shadow of the moon falls on the earth. Is it clear? अगर moon जो है sun और earth के बीच में आएगा तो shadow moon का जो है earth के ऊपर पड़ेगा. At such time these three celestial object are on the same plane. मतलब तीनों जो है एक plane area में आएंगे, तीनों एक ही line में आएंगे, उसी को बोलते हैं. At such time these three celestial objects are on the same plane and fall in one line, एक line में आएंगे. Hence the place on the earth where the moon shadow falls experience solar eclipse. तो जहाँ पे प्लेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पे मून का शैडो पड़ेगा, वहाँ पे सोलार एक्लिप्स होगा, राइट. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? मिस प्रिंट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. इज दिस क्लियर? सोलार एक्लिप्स क्लियर? इफ द मून इज इन बिटवीन सन एंड अर्थ, इफ द मून इज इन बिटवीन सन एंड अर्थ, शैडो ऑफ मून फॉल ऑन द अर्थ, शैडो ऑफ मून फॉल ऑन द अर्थ, मून का शैडो जो अर्थ के ऊपर पड़ेगा. At such time, these three celestial object are on the same line and fall in one line. तीनों जो celestial body है, जैसे sun, moon and earth, एक ही line में आएंगे. Hence, the place on the earth where the moon shadow falls, तो earth का ऐसा place जहाँ पे moon का shadow पड़ रहा है, fall experience solar eclipse. वहाँ पे solar eclipse होगा. Is this clear? Then take a screenshot of each and every question. This is first question. Explain about perigee and apogee. Take the screenshot of this question also. Explain full moon day and new moon day. And take the screenshot of explain about solar eclipse. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.